लाइट विद एनर्जी फ्लक्स, ये तो नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी चेक करके आ रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की पहली प्रॉब्लम है ये। लाइट विद एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स क्या होता है? इंटेंसिटी। कैसे पता लगा? वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी फ्लक्स या इंटेंसिटी एक ही बात है। तो इंटेंसिटी की मतलब फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करती। तो क्या कह रहे हैं? एट नॉर्मल इंसिडेंस, बिल्कुल डायरेक्टली 90 डिग्री पे करती है। इफ सरफेस एरिया इज 20, कितने सरफेस एरिया पे गिर रही है? 20। फाइंड एवरेज फोर्स एग्जर्टेड ऑन सरफेस ड्यूरिंग 30 मिनट लाइफ स्पैन। तो एवरेज फोर्स 30 मिनट में क्या लगेगी ये बताओ। रूल नंबर वन, जो एवरेज फोर्स होती है वो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो अगर मैं मोमेंटम निकाल दूं और टाइम निकाल दूं, आंसर आ जाएगा। क्योंकि सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो मोमेंटम एक ही काउंट होगा, क्योंकि सीधा जाके वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो सीधा एब्जॉर्ब कर लेगे ईएम वेव्स को, सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्टर होता प्योर तो मोमेंटम क्या हो जाता? डबल, पी और पी, टू पी। ये मैंने वैसे स्पेशल केस लिखा हुआ है, पूछा नहीं, पूछा उसने नॉन रिफ्लेक्टिंग पे है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा? पी बाई टी। टाइम आपको गिवन है 30 मिनट, आपको क्या निकालना है? मोमेंटम। मोमेंटम ई एम वेव का क्या होता है? एनर्जी बाई सी। सी आपको पता है क्या निकालनी है? एनर्जी। एनर्जी निकालने के लिए क्या गिवन है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इंटेंसिटी एनर्जी फ्लक्स इंटेंसिटी को एरिया और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। टाइम और एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगी? एनर्जी। तो इंटेंसिटी को एरिया और टाइम से मल्टीप्लाई किया तो आई एनर्जी, एनर्जी को सी से डिवाइड किया तो आया मोमेंटम, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड किया तो फोर्स। आंसर, पॉइंट समझ में आ रहा है? लॉजिक क्लियर है यहाँ तक कि किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी? तो जो थ्योरीज हमने की वो कहाँ आ रही है? उसके डराइव्ड फॉर्मूलाज आ रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय रेडिएशंस। मुझे क्या निकालना है? ई निकालना है और बी निकालना है। कहाँ से? 100 वॉट बल्ब से। 100 वॉट का बल्ब है और कितने मीटर दूर है? 3 मीटर दूर है। बल्ब की एफिशिएंसी सिर्फ 2.5% है एंड इज अ पॉइंट सोर्स। एक बल्ब है, एक बल्ब एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स समझ, तो एक डॉट है। पॉइंट सोर्स जब लाइट निकालता है ना तो वह हर तरफ लाइट निकालता है। तो 3 मीटर दूर इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो लाइट का क्या बनेगा? स्फेयर बन जाएगा। तो ये बल्ब 3 मीटर के रेडियस के स्फेयर में लाइट को एमिट कर रहा है, ठीक हो गया यहाँ तक। तो एरिया कितना है? 4π × 3² ठीक हो गया। और मेरे को क्या गिवन है? बल्ब की पावर कितनी? 100 वॉट। बल्ब है ही बड़ा बेकार, 100 वॉट लिखा हुआ है, 2.5% एफिशिएंट है सिर्फ। तो जो बल्ब लाइट रोशनी बाहर फेंक रहे है, 100 वॉट के हिसाब से फेंक ही नहीं रहा। 100 वॉट का क्या करना पड़ेगा? 2.5%। तो इतना पावर से लाइट को बाहर फेंक रहे, और इस पावर का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम को एरिया से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गई? इंटेंसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो बल्ब ने कितनी लाइट फेंकी उसकी इंटेंसिटी हमने निकाल ली, पर हमें तो ई और बी निकालना है। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला, टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने ये किया हुआ है, किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ये टोटल इंटेंसिटी है। टोटल इंटेंसिटी हम निकाल भी चुके हैं, कितनी? 0.022। इसको पुट कर लो, 0.02, तो ये लो, कर लिया पुट, यही किया मैंने। नेक्स्ट के 2 से 2 काट दो, ये नहीं चाहिए, तो इसको इसके इक्वल कर दिया। सॉल्व करके क्या आ गया? ई आर एम एस। ई आर एम एस को √2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? ई नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, मैंने ई नॉट भी निकाल दिया, मैंने ई आर एम एस भी निकाल दिया। ऐसे मुझे क्या निकालना है? बी आर एम एस। इसके लिए इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। सी क्या होता है? ई बाई बी। बी क्या होता है? ई बाई सी। तो अगर ये ई आर एम एस पता है, उसको सी से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? बी आर एम एस। और बी आर एम एस आ गया तो बी नॉट भी आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आया कि पहले निकलेगी बल्ब की टोटल इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ई आर एम एस, ई आर एम एस आ जाएगा तो बी आर एम एस भी आ जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, हाउ टू कैलकुलेट ई आर एम एस एंड इंटेंसिटी।
लेजर बीम हैज इंटेंसिटी गिवन, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ बीम। भाई तुम्हें इंटेंसिटी तो दे ही रहे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कौन सा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब ई नॉट एंड बी नॉट, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ई नॉट और मैक्सिमम बी नॉट निकालना है। तो इंटेंसिटी के दोनों फॉर्मूलाज हमने किए हुए हैं, इंटेंसिटी हमने ई नॉट के फॉर्म में भी किया, ई आर एफ में भी किया, तो ये यूज कर लो। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, ई नॉट आ गया। इंटेंसिटी पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, सी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई नॉट आ गया, तो ई नॉट को सी से डिवाइड करके बी नॉट भी आ गया। तो मेजरली क्या है, फॉर्मूलाज हैं इसमें, हाउ टू यूज फॉर्मूलाज, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है एक, नहीं यहीं तक है, रुको।